सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित आदर्श थाना में डीआईजी शिवदीप लांडे के द्वारा घंटों बारीकी से निरीक्षण किया गया। डीआईजी शिवदीप लांडे ने बताया कि कोसी प्रक्षेत्र में पहला आदर्श थाना त्रिवेणीगंज का निरीक्षण किया गया है, जिसमें सभी कार्य ठीक तरीके से चल रहा है। साथ ही निरीक्षण के दौरान जो भी देखा गया उसमें जो कार्य करनी है उसे एसपी डी अमरकेश को बता दिया गया है। साथ ही थाना अंतर्गत कार्य में चौकीदारों की सहभागिता अच्छी रही है, उन सभी चौकीदारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। क्राइम कंट्रोल के मामले में एसपी सहरसा लिपि सिंह, मधेपुरा एसपी राजेश कुमार, सुपौल एसपी डी अमरकेश को पर्सनली बता दिया है। वहीं सीएसपी संचालक से जो रुपए की लूट होती है उसमें सभी सीएसपी संचालक को भी बता दिया गया है कि 50,000 रुपए से ऊपर जिस किसी को भी लाना ले जाना हो वह स्थानीय थाना की पुलिस को सूचित करे और उनकी मदद ले। कुछ सीएसपी संचालक ऐसे हैं जो रुपए का घपला कर लूट का नाम देते हैं, क्योंकि सभी सीएसपी का कैश का बीमा रहता है। लूट का नाम देकर बीमा वालों से रुपए वसूल लिए जाते हैं। वहीं डीआईजी शिवदीप लांडे को सलामी दी गई। निरीक्षण में शामिल सुपौल एसपी डी अमरकेश, एसडीपीओ गणपति ठाकुर सहित दर्जनों पुरुष महिला पुलिस बल मौजूद रहे। एक रूटीन प्रोसेस है ये, थाने का जो इंस्पेक्शन वरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाता है उसी के क्रम में मैं आया था। और मेरे कोशी प्रक्षेत्र का ये पहला थाना था जिसमें मैंने विजिट किया है और उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो भी बातें थी, जो भी निदर्शन में आई है, उसे एक डिटेल रिपोर्ट एसपी के माध्यम से, अमरकेश जो एसपी सुपौल है उनके माध्यम से कंसल थाना प्रभारी और एसडीपीओ को भेजा जाएगा। और वो त्रुटियाँ जो भी मुझे लगी है, वैसे तो मैं समाधानी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, थाना का काम अच्छा चल रहा है। स्पेशली क्राइम से रिलेटेड जो एक अप्रोच है वो मुझे काफ़ी यहाँ पे अपीलिंग लगा। और कुछ बातें हैं स्पेशली जो कि अभी एक टास्क के तौर पर हम ले सकते हैं। कुछ क्रिमिनल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि जिनका प्रायोरिटी हमारे नज़र से, उनके बारे में भी हमने ब्रीफ किया है कि ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। और ये आश्योर भी किया है थाना प्रभारी महोदय ने कि आगे ये टास्क कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ शराब से रिलेटेड जो भी, शराबबंदी से रिलेटेड जो भी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है उसका एक रिव्यू लिया गया। और ये पाया गया है कि चौकीदारों का काफ़ी यहाँ पे सहकार्य रहा है उस टाइप के सीज़न में, तो चौकीदारों से भी स्पेशल मिला गया है। और बस अभी सर, थाना का निरीक्षण करते हुए पिछले 24 घंटे में सर 4 घटनाएं हुई है सुपौल में। सर 24 घंटे में 4 कौन सी घटनाएं हुई है? सर सुपौल में एक लूट की घटना हुई है, प्रतापगंज में सर एक रेप की घटना हुई है, उसका आरोपी सर थाना से फरार बताया जा रहा है सर। तो मुझे लगता है कि आप पत्रकार महोदय, आपका नॉलेज थोड़ा अपडेट नहीं है। सुपौल की घटना में जो अरेस्टिंग हुई थी वो एक्चुअली वो निकल गया था लेकिन उसको दोबारा पकड़ा गया है, अभी वो हाजत में है। भई आप जो बात कर रहे हैं लूट की घटना की, उस बारे में भी उद्भेदन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं यहाँ पे प्रोफार्मा देख रहा था, करीबन 11 लूट में से 9 लूट कांडों में यहाँ पे उद्भेदन हुआ है। और जो एक बड़े नाम के लुटेरे के तौर पे यहाँ पे कार्यरत थे, जो आसपास के जिला में भी कार्रवाई करते थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और उनका भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग है। मुझे लगता है कि आपको आपका नॉलेज अपडेट रखना चाहिए। सर त्रिवेणीगंज के लोगों की एक डिमांड है कि त्रिवेणीगंज से पूरब जो है एक टॉल टैक्स है, उसके आसपास में गश्ती तो दिन में रहती है, रात में भी गश्ती जाती है, लेकिन 1 किलोमीटर में कोई आबादी नहीं है वहाँ से गुजरते समय। इस टाइप से तो एक प्रस्ताव हम रिक्वेस्ट करेंगे एसपी सुपौल अमरकेश से कि इस बारे में एक बार विस्तृत तौर पर देखा जाए कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है और उसका आउटपुट का इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग एक प्रपोजल बना के, क्योंकि ये जो भी आउटपुट खोजने का ये इसका जो भी है वो मुख्यालय से होता है, तो मुख्यालय से इस संदर्भ में हम लिखेंगे अगर उसमें उस टाइप का पोटेंशियल है। थैंक यू सर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।